हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। हमने एक्सरसाइज 4.1 और 2 कर ली थी। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन एड रहा था ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। निम्नलिखित जो दो वेरिएबल्स के जो हैं, दो रेखीय समीकरण जो समीकरण है हमारे दो वेरिएबल्स के, उनका हमें ग्राफ खींचना है। अब जैसे फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो ग्राफ किस तरह से बनाने हैं वो देखो। एक ग्राफ की कॉपी खरीद लेंगे सभी। ये इस तरह से होते हैं, ये हमारे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये इसको बोलते हैं ओरिजन। थोड़ा सा समझेंगे, ओरिजन इस साइड होते हैं वो होते हैं प्लस, इस साइड माइनस, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। अब जैसे 1, 2, 3, 4 इधर लेंगे, ये प्लस होंगे सारे, और 1, 2, 3, 4 ये सारे माइनस होंगे। इसी तरह से ये प्लस होंगे और ये क्या होंगे, माइनस होंगे। ये सारे प्लस, ये सारे माइनस। अब इसकी हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो हमने यहाँ से देखा x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई हुआ, तो यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं हम। तीन वैल्यूज निकाल लें, x और y। अब देखो जैसे y इधर है, y को हमने 0 पुट किया, तो x क्या आया, 4 माइनस 0 4। y जैसे हमने 2 पुट किया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 2। y को 4 पुट किया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0। तीन वैल्यूज निकाल ली। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाएंगे हम। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 जैसे इस तरह से पॉइंट मार्क किए, सारे प्लस हैं, तो प्लस की तरफ हमने लिया। x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 0, तो यही है ओरिजिन जो ये लाइन है ना, यहाँ x एक्सिस पे y का मान 0 और y एक्सिस पे x का मान है 0, एक वैल्यू तो हुई है, तो यहाँ लिख देंगे 4 और 0। 1, 2 और 2, x 2 y 2, यहाँ लिख देंगे 2 और 2, x 0 y 4, x 0 तो ये है, y 4 ये रहा। फिर इस जो पॉइंट्स हैं तीनों को मिला देंगे, इसके ऊपर इक्वेशन लिखें, कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये बना अपना ग्राफ। इसी तरह से जो तीनों क्वेश्चन है वो बनाने, जैसे सेकंड था अपना, सेकंड है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 2 प्लस वाई। फिर पॉइंट, फिर वैल्यूज निकाल लें हम x और y। जैसे y की वैल्यू 0 तो 2, y की वैल्यू 2 तो 4, y की वैल्यू 4 तो 6। ऐसे ही जैसे ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई, वाई की वैल्यू 0 तो ये 2, वाई की वैल्यू 1 तो ये 3, वाई की वैल्यू 2 तो ये 5, 2 तो ये 4। इस तरह से लिख लो। फिर उसी तरीके से देखो, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू 2, वाई की 0, एक्स 2 ये रहा, वाई 0 है, यहाँ लिख दें 2 0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की 1, यहाँ लिख दें 3 और 1, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2 ये रही। फिर इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें, इसी क्वेश्चन के ऊपर लिखें एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये बना हमारा ग्राफ सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट है वाई इक्वल्स टू 3x। फिर पॉइंट निकालेंगे x और y। देखो x की वैल्यू जैसे 0 पुट करें, 3 गुणा 0, y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। x की वैल्यू 1, 3 into 1 3, x की वैल्यू 2 तो ये कितनी, 6। फिर बना दें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 तो ये रहा, 1 और 3, 1, 2, 3
ये एक्स की वैल्यू वन, ये थ्री, ये लिख दें वन और थ्री, एक्स की वैल्यू टू, इसकी सिक्स, ये फिर इसको मिला दें, इसके ऊपर लिखें वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स। लास्ट है थ्री इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वाई। अब देखो वाई की वैल्यू जैसे निकाले हम, तो वाई की वैल्यू क्या बनी, थ्री माइनस टू एक्स, फिर वैल्यू निकाल लो तीन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू जीरो, दो गुना जीरो जीरो, तीन माइनस जीरो तीन, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू तीन, एक्स की वैल्यू वन, सो वाई टू इंटू वन टू, ये थ्री माइनस वन वन। अब एक्स की वैल्यू जैसे टू रखें, दो दूनी चार माइनस तीन प्लस, क्या माइनस का एक बचा, अब की बार माइनस आ रहा है, देखो माइनस का किस तरह से करेंगे, वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। फर्स्ट तो था एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू थ्री, जीरो तो वाई की वैल्यू थ्री, एक्स की वैल्यू वन सो वाई की वैल्यू वन, एक्स वन सो वाई वन, एक्स टू वाई माइनस वन, माइनस वन इधर है ना, माइनस वन लिख देंगे, टू माइनस वन वन वन, जीरो थ्री, ये बनी है अपनी इक्वेशन टू एक्स प्लस ए वाई। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट।